जिले में आपदा से बचाव के लिए सिविल डिफेंस के द्वारा एमजी इंटर कॉलेज में एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि आपदा से बचाव के लिए एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जो कि सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस के अवसर पर चलाया जा रहा है, जो कि छठवां कार्यक्रम है। एसडीआरएफ के साथ आपदा में सिविल डिफेंस किस तरह कार्य करती है, मॉक ड्रिल करके बताया जा रहा है। प्रयास है कि लोग जागरूक हो सके, यदि कहीं पर भी किसी तरह की आपदा होती है तो तत्काल पुलिस या एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सूचना दें। यहां पर भवन में फंसे व्यक्तियों को मॉक ड्रिल करके बचाया गया है और तत्काल प्राथमिक उपचार दे करके नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा गया है। इसी तरह से टीमें आपदा हो जाने पर कार्य करती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, लाया जाता है फायर टीम, बाकी लोग अनावश्यक फील्ड में ना घूमें। अभी ये पूरा परिजन लोग परेशान है, उनके कोई परिजन उस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, उसके लिए सेफ्टी अफसर या चेयर नाट का प्रयोग करते हुए लाइव कैजुअल्टी टीमें लगातार काम कर रही हैं। इनको बैठा है, इनके सीट पर सीट बैठाई, अब साइड लेट जाइए, लेट जाइए। रस्सी निकाल लीजिए, रस्सी निकालिए, पूरी बांधो और उसको पैर वाला इधर करो, पैर दोनों सटाओ, पैर उठाओ, फोन नहीं बजाता ना, देना एम्बुलेंस कैसे आएगी, एम्बुलेंस में कैसे भेजा जाएगा। जो अभी जवान अपने मॉक ड्रिल के थ्रू अपने टीम से क्यों किया जा रहा है, जहाँ पे कंटामिनेटेड एरिया को सीन सिक्योर के थ्रू बताया जा रहा है कि ये एरिया कंटामिनेटेड हो गया है, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहाँ के नागरिकों के द्वारा यह बताया गया कि अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, सर्च रेस्क्यू स्टार्ट करने के दौरान सिलेंडर को आग बुझाने का तरीका यहाँ पे बच्चों को छात्रों को समझाया जा रहा है। पहले सर्च करने के बाद कमांडर को सूचित करेगा कितने लोग उसमें विक्टिम फंसे हुए हैं, विक्टिम फंसे होने की संभावना है, जो कोलैप्स हुआ है उस बिल्डिंग में, और बिल्डिंग को नीचे न गिरे वो जहाँ पे है उसी के थ्रू, और एक रूम बना के एसडीआरएफ के जवान अंदर बिल्डिंग में घुसे हुए हैं और उसको आराम स्ट्रक्चर के माध्यम से वहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ
वहाँ पे सिविल डिफेंस भी अपना कार्य कर्तव्य से करते हुए यहाँ के और गलत शब्दों का भी प्रयोग होता है। कहीं एक बंदा अनकॉन्शियस तरीके से गिरा हुआ है वहाँ पे, उसको SDRF के जवानों के द्वारा यह बताया गया है कि सीमर में उसकी बॉडी फ्रैक्चर है, तत्काल निजी नजदीकी अस्पताल में उनको भेजा जाएगा। प्रशासन के द्वारा बड़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की गई है, तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। वहीं SDRF के जवानों के द्वारा टीम से बिल्डिंग मटेरियल से निकाल दिया गया है और करके स्ट्रेचर पे बाहर की तरफ कंटेनमेंटेड एरिया से लाके उसको स्टेबलाइज करके बाहर निकाल के अपना मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और टीम कमांडर के द्वारा एम्बुलेंस को सूचित किया गया है, एम्बुलेंस में नजदीकी अस्पताल में भेजा जाएगा। दूसरी ओर में गिरते हैं, ये नहीं पता है जवानों के द्वारा कोई अटैक आया है, किस टाइप का अटैक है। फिर वहाँ पे CPR देने का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे सभी लूक लेसन फील के द्वारा LL के द्वारा वहाँ पे चेक किया जाएगा। सभी वहाँ पे जितने भी उनके अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे मोबाइल, जूता, ये सब उनसे बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, जिसे माध्यम से हल्का सा हाथ ऊपर करके और कान लगा के उसको सुना जाएगा, किया जा रहा है। वहाँ पे आपको छात्रों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलने के उपरांत आप एक रुमाल जरूर लें। जब यह 30-2 का प्रक्रिया होता है, 30 बार चेस्ट पर दबाया जाता है, तो नहीं जानता व्यक्ति किस प्रकार का वो व्यक्ति में किस प्रकार से वो उसको डिजीजेज हैं, कितने प्रकार की बीमारियां, ये हमें नहीं पता है। तो रुमाल का अवश्य प्रयोग करें, रुमाल हुआ, दुपट्टा हुआ, जो भी है आप अवश्य वहाँ पे कॉन्शियस होता है तो एम्बुलेंस को सूचना जरूर देंगे। लेकिन CPR देने से वहाँ के आसपास के जो नागरिक हैं उनसे परमिशन जरूर लेंगे, ये नहीं कि आप डायरेक्ट। नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस गोरखपुर। आज एक बृहद मॉकड्रिल का आयोजन नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के जो कार्यक्रमों का एक श्रृंखला में है, ये साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है और आज ये 6th कार्यक्रम है। और आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से ये हमारी टीमें काम करती हैं उसको हम लोग आज महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रांगण में दिखाएं। हमको SDRF ने भी ज्वाइन किया है इस कार्यक्रम में, हमको अग्निशमन विभाग ने भी ज्वाइन किया है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के भी DDU के छात्र भी हैं, रेलवे के भी लोग हैं और हमारी वार्डन सेवा की ये तीनों चारों टुकड़ी इसमें मिल करके काम कर रही है। किसी भी आपदा में किस प्रकार से हमारी टीमें काम करती हैं उसका साक्षात अभी लोगों ने देखा कि रेस्क्यू कैसे किया जाता है, फायर फाइटिंग कैसे किया जाता है, फर्स्ट एड कैसे किया जाता है, किस प्रकार से अगर कोई भवन में व्यक्ति फंस जाता है तो किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाता है, ये आपने सिविल डिफेंस के द्वारा भी देखा और SDRF के द्वारा भी देखा। तो एक इसी तरह का एक कार्यक्रम रखा गया था, चूँकि शासन प्रशासन का निर्देश है कि एक लाइव इस कार्यक्रम किया जाए जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके कि आपदा में किस प्रकार से टीमें काम करती है और हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।